Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Shavasti. As we are continuing with our polity lecture series, this is lecture number 22nd. 22nd lecture mein aa gaye hum. We have already been in the previous video, we have already been discussed about citizenship. Hum citizenship ka video discuss kar rahe the aur us pe bhi maine aapko kuch cheeze bata di thi. Aaj uska jo aage ka part hai usko discuss karenge. Theek hai, jisme maine article 5 to 11 already discuss kar liya hai. Agar aapne wo video nahi dekha hai to please aap us previous video ko dekhe, tabhi वीडियो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो देखिए सिटीजनशिप में लास्ट में आपको याद होगा मैंने एक आर्टिकल 11 बताया था. उसमें मैंने कहा था कि पार्लियामेंट हैज अ पावर, है ना, टू मेक एनी लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप. मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है. ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट ने उसी पावर को यूज करते हुए दे हैव मेड अ लॉ दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955. और इस एक्ट में उन्होंने दो मेजर चीज बताई कि हाउ अ सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, मतलब सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है. सेकेंड, हाउ द सिटीजनशिप कुड बी लॉस्ट, किस तरह सिटीजनशिप खत्म की जा सकती है. तो आज हम ये दो पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और ये एक्ट को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा सिटीजनशिप का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो लेट्स गो विद आवर टॉपिक. तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, किस तरह सिटीजनशिप को अपन एक्वायर कर सकते हैं. तो देखिए देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप. एक है आपका बाय बर्थ, सेकेंड इज बाय डिसेंट, थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ इज बाय नेचुरलाइजेशन एंड द फिफ्थ वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. अब ये पांचों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. सो लेट स्टार्ट. देखिए सबसे पहले बाय बर्थ में आते हैं अपन. ठीक है, अच्छा इसको पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जो सिटीजनशिप एक्ट है जो 1955 में आया था, ठीक है, इसमें बहुत बार अमेंडमेंट भी हो चुके हैं. अमेंडमेंट मतलब चेंजेस भी हो चुके हैं. वो ईयर्स कौन कौन से हैं, दैट इज 1986, देन 1992, 2003 एंड 2005. तो चेंजेस हुए हैं. ठीक है, तो चलिए हम चेंजेस की ओर मूव नहीं करेंगे, विल मूव टू द हाउ सिटीजनशिप आर एक्वायर्ड एंड लॉस. सबसे पहले है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ. देखिए अगर आपका बर्थ 26 जैन 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है तो यू वुड बी द इंडियन सिटीजन. ठीक है, सिंपल सी कंडीशन. सेकंड, अगर आपका बर्थ 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो यू शुड बॉर्न इन इंडिया. प्लस सेकंड कंडीशन इज कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं मॉम या डैड, उनमें से कोई भी एक इंडियन सिटीजन उस टाइम पर होना चाहिए. ठीक है, देन यू वुड बी इंडियन सिटीजन बाय बर्थ. थर्ड कंडीशन, If your birth happened after 3rd December 2004, मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका बर्थ हुआ इंडिया में, तो इसमें दो कंडीशन है. पहले तो आपका बर्थ इंडिया में हो, सेकेंड इज बोथ ऑफ द पेरेंट्स शुड बिलोंग टू इंडियन सिटीजन, मतलब दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होने चाहिए. देन इट कुड बी यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ. तो आप इस पॉइंट को जरूर रिमेंबर रखेंगे. चलिए मूव करते हैं अपने सेकेंड, किस तरह सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है बाय सेकेंड वे. बाय द सेकेंड वे इट्स बाय डिसेंट. ठीक है, अब बाय डिसेंट किस तरह हो सकता है. ठीक है, देखिए अगर आपका, देखिए मैंने दो डेट फिर से लिख रखी, 26 जैन 1950 एंड 10 दिसंबर 1992. अगर आपका बर्थ इन दोनों के बीच में होता है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, लेट अस सपोज इंडिया के बाहर आपका बर्थ हुआ है. बर्थ डिसेंट का मतलब ही होता है इंडिया से बाहर बर्थ होना, तो बॉर्न आउटसाइड इंडिया. ठीक है, तो आपके फादर को इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, देन ओनली यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय व्हाट, बाय डिसेंट. ठीक है, सेकेंड वे, अगर आपका बर्थ 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 के बीच में होता है, ठीक है, ऑफ कोर्स इंडिया से बाहर होता है, आई एम रिटन बोथ बॉर्न आउटसाइड इंडिया, तो आइदर ऑफ द पेरेंट्स मॉम या डैड कोई भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए. ऊपर वाली कंडीशन में कहता है फादर का होना जरूरी है, यहां पर आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बिलोंग टू इंडियन सिटीजन, तो यू कुड बिकम इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट. थर्ड, जो आज प्रेजेंट में अब ये वर्क करेगी, अगर आपका बर्थ 3 दिसंबर 2004 के बाद से इंडिया में, इंडिया के बाहर होता है, ठीक है, यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. यू हैव टू रजिस्टर्ड विद इन वन ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ. मतलब आपका जब भी जन्म होगा आउटसाइड इंडिया, आपको एक साल के अंदर क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, प्लस आइदर ऑफ द पेरेंट्स, तो है ही कंडीशन कि शुड बी दैट इज व्हाट, आइदर ऑफ द पेरेंट्स आपके क्या हो, या तो मॉम या तो डैड इंडियन सिटीजन हो. प्लस एक ये भी है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा आपकी बर्थ हुई है एक साल के अंदर फ्रॉम द डेट यू हैव बीन बॉर्न. चलिए, तो ये तरीका बाय डिसेंट सिटीजनशिप लेने का. विल मूव टू अ थर्ड वे, बाय रजिस्ट्रेशन भी आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप इंडिया में एक्वायर कर सकते हैं. बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए
पर्सन मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन से शादी कर लेता है, ठीक है, और ही हैज बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years, तो आप इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड कर सकते हैं थ्रू बाय व्हाट, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि जो अपनी प्रियंका चोपड़ा है उनकी शादी हुई है, तो इफ द पर्सन जो उनका फॉरनर जो आपको पता है हस्बैंड है निक जोन्स, तो वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं, इट डिपेंड्स वेदर ही वांट टू टेक और नॉट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अब ये बात क्या है, ध्यान रखें इंडियन ओरिजिन मैंने क्या लिखा हुआ है, इंडियन ओरिजिन जब भी वर्ड यूज करूंगा आपको ये समझ जाना है वो इंडियंस नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है उनके, फॉर एग्जाम्पल उनके माँ बाप इंडियन सिटीजन रहे होंगे लेकिन उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले रखी है, तो वो इंडियन ओरिजिन के जरूर सिटीजन हुए, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बट क्योंकि उनके माँ बाप रहे हैं तो इसलिए हम उनको इंडियन ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उनके माँ बाप रहे होंगे इंडियन लेकिन वो अभी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और भारत की सिटीजनशिप भी नहीं है, दे कैन ask for what, they are residing outside India also, so they can demand Indian citizenship, वो demand कर सकते हैं citizenship through what, by registration, ठीक है, तो वो चाहे तो demand कर सकते हैं। अब देखिए इस वाले में क्या लिखा है मैंने, persons of Indian origin, कहने का मतलब फिर से वही condition कि आपके माँ बाप Indian रहे होंगे लेकिन आप ने बाहर की सिटीजनशिप ले रखी है, बट फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पर आप बाहर नहीं रह रहे हैं, आप इंडिया में आके रह रहे हैं और यू हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 years, तो अगेन यू कैन डिमांड फॉर व्हाट, इंडियन सिटीजनशिप थ्रू व्हाट, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। विल मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, अगर माइनर चिल्ड्रन का मतलब होता है कोई भी चिल्ड्रन जिनकी एज लेस देन 18 years हो, ठीक है, तो माइनर चिल्ड्रन विच आर लेस देन 18 years ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उस इंडियन ओरिजिन के अगर कोई बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, दे कुड ऑल्सो डिमांड इंडियन सिटीजनशिप बाय वॉट, बाय रजिस्ट्रेशन, रिमेंबर। नेक्स्ट विल मूव अवर नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगर आपके 18 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है, मतलब पर्सन ऑफ फुल एज 18+, है ना, हूज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या है, रजिस्टर्ड हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह, ठीक है, तो आप भी चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद भी, ठीक है, तो ये पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज बाय डी, बाय नेचुरलाइजेशन, ये क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, ही शुड नॉट बी फ्रॉम दैट कंट्री वेयर इंडिया इज बैंड टू गेट सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, मतलब अगर ऐसी कोई कंट्री से आप बिलोंग करते हो जहां इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं मिल रही है तो आपको भी नहीं मिल सकती, ये पॉइंट तो आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अदनान सामी का केस आपने सुना होगा, वो पहले पाकिस्तान की उनके पास सिटीजनशिप थी, नाउ उन्होंने क्या किया है, इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है, कैसे ली है, बाय नेचुरलाइजेशन, कहने का मतलब इफ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री, मतलब उसने वो सिटीजनशिप क्या की, छोड़ दी, तो उन्होंने पाकिस्तान की छोड़ दी, तो ही कुड गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय व्हाट, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वे, अगर यू आर बीन रिसाइडिंग इन इंडिया और सर्वड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व करते हो किसी भी पोस्ट में फॉर 12 months प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करने वाले हो उसके 12 महीने से आप करीबन क्या कर रहे हो, वहां पर सर्व कर रहे हो, तो यू कैन आस्क फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय व्हाट, बाय नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट, अगर आपका करेक्टर बहुत अच्छा है, गुड करेक्टर, बहुत वीक सा टर्म है बट तब भी आपको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा 8th schedule से रिलेटेड, व्हाट इज 8th schedule, आई ऑलरेडी डन 8th schedule, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आपको किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छी नॉलेज है, देन यू कैन ऑल्सो डिमांड द सिटीजनशिप थ्रू बाय नेचुरलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट जो है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, लेट अस सपोज इंडिया ने किसी भी पार्ट को इनकॉर्पोरेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा सिक्किम को इनकॉर्पोरेट कर लिया था हमने, अपने इंडिया में शामिल कर लिया था, तो क्या वो सारे लोग इंडियन सिटीजन हो जाएंगे, यहां पे एक पॉइंट नोट डाउन करने की जरूरत है कि इफ एनी टेरिटरी बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रॉपर एक उसमें बताएगी कि कौन कौन इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। दिस इज द 5 ways टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। चलिए अपने आपके नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं, इस एक्ट का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हाउ द सिटीजनशिप कुड बी लॉस, तो देखिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, बाय रेनुंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। अब ये तीनों होते क्या है, देखिए बाय रेनुंसिएशन का मतलब होता है मान लो कोई इंडियन सिटीजन है
उसने अपनी सिटीजनशिप खुद से ही छोड़ दी, ही रिनाउंस, उसने खुद से ही सिटीजनशिप छोड़ दी, तो व्हाट विल हैपन, उनकी सिटीजनशिप क्या होगी, लॉस हो जाएगी अगर आप खुद से ही सिटीजनशिप छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके जो माइनर चिल्ड्रन है, जो उनके 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे होंगे, उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी इस चक्कर में, इंडिया की, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो जब 18 साल के प्लस हो जाएंगे वो चाहे तो बाद में डिमांड कर सकते हैं, तो रिमेंबर आफ्टर 18 दे कैन डिमांड टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। बट याद रखना, कोई खुद से सिटीजनशिप छोड़ता है, खुद से रिनाउंस करता है, देन हे सिटीजनशिप आर लॉस। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, दैट इज बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है, देखिए, अगर कोई सिटीजन ने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप वुड गेट टर्मिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार, उन्होंने कैनेडा की सिटीजनशिप ले रखी है, तो इंडियन सिटीजनशिप उनकी क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, टर्मिनेटेड है। तो याद रखना, सेकेंड वे क्या है, टर्मिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। थर्ड है डिप्रीवेशन। अभी डिप्रीवेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड एक्वायर की हो, ठीक है, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल हैं, या तो आप एनिमी कंट्री जो इंडिया है उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उनको हमारी बातें बता रहे हो, या तो आप इंडिया में आउटसाइड इंडिया रह रहे हो पिछले 7 सालों से, देन ऑल्सो योर सिटीजनशिप कैन बी रिमूव्ड। और किस वे से, बाय डिप्रीवेशन। तो तीन तरीके याद रखिएगा, रेनुंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्रीवेशन। चलिए, तो यहां पर सिटीजनशिप का चैप्टर एक्चुअली खत्म होता है, लेकिन मैंने यहां पर 2-3 पॉइंट लिखा है, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लिए। आप एनआरआई के बारे में सुनते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ये कौन होते हैं, देखिए, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत के नागरिक हैं, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, और दे हैव इंडियन पासपोर्ट्स, बट दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वो भारत से बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के लिए या कोई जॉब्स की वजह से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो रिमेंबर दे आर नोन एज व्हाट, एनआरआई, ठीक है, लेकिन दे आर इंडियन सिटीजन, रिमेंबर। सेकेंड, ये एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, PIO और OCI, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट करके इनको एक ही टर्म बना दिया गया है, दैट इज OCI। अब PIO नहीं सुनाई देगा आपको, क्या सुनाई देगा, OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया। ऐसे इंडियंस, रिमेंबर, जो जिनके माँ बाप इंडियन हैं या उनके ग्रेट ग्रैंड फादर इंडियंस हैं, फादर और मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर इंडियंस हैं, बट वो इंडियन नहीं है, दे आर एक्वायरिंग द पासपोर्ट्स ऑफ अदर कंट्री, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, उनके लेकिन माँ बाप इंडियन रहे हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब दे हैव फॉरेन पासपोर्ट, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, उनके माँ बाप रहे होंगे या उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, है ना, तो दे आर नोन एज OCI। अब ये दो अलग अलग डेफिनेशन ही, दोनों एक ही मर्ज अप कर दिया गया है, ठीक है। तो यहां आज हमने अपने सिटीजनशिप का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स, जो अगला पार्ट है हमारा, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 पर हमारा डिस्कशन चलेगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।